1000 पेड़ लगाने की मुहिम में आज 19/4/2018 को मैं इस समय कंजा देव स्थान हनुमान मंदिर ब्रह्म बाबा आश्रम कंजा गोला जनपद लखीमपुर खीरी में अपने साथियों के साथ मौजूद हूँ। ये देख, ये एक नीम का पेड़ लगाया गया है। 5 पेड़ों में एक एक नीम का एक पेड़ लगाया गया। संतोष जी दिखाते रहिए। जी जी, एक ये पेड़ लगाया गया, एक ये पेड़ लगाया गया, एक ये लगाया गया, एक ये लगाया गया। तो दिखा दो पास से संतोष जी, कैमरा मैन हमारे संतोष जी हैं। और किधर है? एक ये इधर है, एक वो कौन है, ये है और कहाँ है? वो दाहिने हाथ पे, वो सामने सामने, ये इधर इधर। एक पेड़ ये लगाया गया, एक पेड़ ये लगाया गया। इन पेड़ों को लगाते समय हमारे सभी सहयोगी आदेश दीक्षित, जो अभी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य प्रत्याशी थे, अभी इनका चुनाव के परिणाम से अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, ईश्वर इनको बार काउंसिल सदस्य बनाए। अवधेश जायसवाल जी, रवि सक्सेना जी, अभिषेक कुमार सोनी जी, अनिल सिंह, संतोष मिश्रा और रजनीश गुप्ता, जो समस्या और समाधान ग्रुप के मुख्य हैं। अब मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर देखिए 12 ज्योतिर्लिंग। आ जाओ भैया, आ जाओ। 12 ज्योतिर्लिंग देखिए, 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 पार्वती जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, कार्तिकेय जी की, सूर्य भगवान, नंदी जी, शिव परिवार की स्थापना और प्रार्थना। जी जी, देखिए यहाँ पर हनुमान जी की विशाल मूर्ति है, बड़ा ही सच्चा दरबार है यहाँ। जो भी यहाँ आया अपने मन से, ये देखिए ब्रह्म बाबा, 150 अभी रोड पर आओ। ये स्थान गोला से 3-4 किलोमीटर मोहम्मदी रोड पर पड़ता है, आर रोड है। बड़ा ही सुसज्जित, बहुत ही अच्छा यहाँ पर लगता है और बड़ा ही, वही रुको आप, देखने में मनमोहक है। यहाँ के सेवादार अनिल राजेश गुप्ता, अवधेश जायसवाल जी है, वास्तव में आप दोनों ने यहाँ पर बड़ी ही अच्छी व्यवस्था की है। इससे पूर्व में भी था तो यहाँ पर उस तरीके से नहीं कुछ व्यवस्था थी, लेकिन इन दोनों ने, सेवादारों ने बड़ी ही अच्छी व्यवस्था की है। और इधर ये हमारे राजेश गुप्ता जी हैं, उसके मुख्य पूरा सहयोग कर रहे हैं नीम के पेड़ लगाने में। और यहाँ की पूरी जो भी यहाँ पर स्थान है, सभी को आपके द्वारा दिखाया गया है। मेरा सभी से निवेदन है, यहाँ एक बार आए जरूर। धन्यवाद धन्यवाद।